तो भाई बरिस्ता का काम सिर्फ इतना नहीं होता है कि सऊदी अरब में आना है और कॉफी बनाना है बस। किसी को फोन करने का ये भी किसने बोला? क्या बना रहे भाई? वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। अपने रेस्टोरेंट आ चुके हैं इफ्तार करने के लिए। टाइम बचा है अभी 5 मिनट। और सबसे अच्छी खबर ये है कि मुझे मेरा ब्लॉग शूट करने के लिए मेरे दोस्त ने मुझे फ़ोन दिया है। मैं शाम के टाइम पे सही इफ्तार के बाद से और सहरी तक के उसका फ़ोन मैं यूज़ कर सकता हूँ। किचन में इस तरह से खाना बना रहता है, पहले से ही रेडी रखा है। इफ्तार हो चुका है और अब चलते हैं मस्जिद की तरफ नमाज पढ़ने के लिए। और हालांकि इफ्तार का कुछ खास इंतजाम नहीं था। क्या बना रहे भाई? अभी निकल चुके हैं रत्ना रेस्टोरेंट से बाहर और जा रहे हैं मस्जिद की तरफ। आज का मौसम कुछ खास नहीं है, कल जैसे मौसम था तो कल ऐसा लग रहा था कि बारिश होने वाली है, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। ये मौसम है आज का, डे बाई डे इफ्तार में मुश्किल होती जा रही है। जो रोजे से रहता है उसको पता लगता है। तो आ गए हैं रूम पे। यहाँ पे खाने का रूटीन काफी चेंज हो गया है। जैसे 12 बजे हम लोग खाएंगे खाना चाहकर। तो भाई अभी हो गए रेडी, अब जा रहे हैं स्टोर की तरफ। कुछ कुछ व्लॉग्स में जो मैं डेली शूट करता था ना उसमें कुछ कुछ कट होने लगा। क्यों? हो चुके हैं अपने कॉफी शॉप। ब्लॉग में कुछ कुछ चीजें अब कम होने लगी हैं, जैसे कि इफ्तार के टाइम का मैं दिखाता था। क्यों? क्योंकि वो अरेंजमेंट सही से नहीं हो पा रहा है, इसलिए इंशाल्लाह कल से यानी कि जब 7वां रोज़ा होगा उससे आपको अच्छा ब्लॉग देखने को मिलेगा। तो अभी हम लोग कर चुके हैं कैफे में एंटर। बारी है एसी खोलने की। नाउ एसी इज ओपन। मशीन खोल दो, मशीन मशीन। हाँ, डेली डेली के रूटीन चेंज करने पड़ते हैं। फिर से आके एक बार अपना कैफे में चेक करते हैं। तो आज सब अरेंज है और सारे कॉफी शॉप ओपन हैं। पेड़ों को पानी देना बाकी है। पहले क्या होता था ना, ये जो लाइट आप देख रहे हैं ये लाइट जलती थी और 6 बजे के आसपास लाइट जल जाती थी। बाकी रोड का सीन बहुत अच्छा लगता था। टीवी कल रात से ओपन है क्या? कल बंद किया था, अभी खोला है तुमने? हाँ नहीं, टीवी किसने बोला? ओके कोई नहीं, मुझे लग रहा टीवी कल से बंद ही नहीं करा था। टीवी क्या मतलब, सिर्फ डिस्प्ले उसकी ऑन कर देते हैं, उसमें वॉलपेपर चलता रहता है। मैं रेडी कर रहा हूँ अपने लिए ऑरेंज का जूस। कैसे बनाते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। मेरा जो तरीका है बनाने का, पहले मैं इसमें ऑरेंज का जूस ले लेता हूँ, फिर उसके बाद एक ऑरेंज को ऐसे ही डाल देता हूँ, थोड़ी शुगर और कुछ सीक्रेट्स हैं जो कि मैं उसमें चेंजेस करता हूँ, सिरप के साथ खेलता हूँ, देन उसके बाद जाकर मेरा ऑरेंज रेडी हो जाता है। हम यहाँ पर इसको स्टार्ट करेंगे। करेंगे इस तरह से, अब इसके बाद हमारा जूस हो गया रेडी पीने के लिए। ट्राई करते हैं और देखते हैं कैसा है इसका टेस्ट। गुड, आइस परफेक्ट है, शुगर और सीक्रेट सिरप परफेक्ट है और सारी रेसिपी परफेक्ट है। अभी टाइम हो चला है क्लीनिंग का, सफाई करते हैं। ये भी हमारा है एरिया, बगार है।
तो भाई बरिस्ता का काम सिर्फ इतना नहीं होता है कि सऊदी अरब में आना है और कॉफी बनाना है बस, यहाँ की सारी जितने भी आपके पास आपके इक्विपमेंट्स रहते हैं और जितने भी जगह है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है, तो क्लीनिंग भी आपको करनी होती है जैसे अभी मैं कर रहा हूँ। तो आज के खाने में है जुर्बियान, जुर्बियान नाम लिया गया है बिरयानी से, तो बिरयानी की तरह सेम सेम तो नहीं रहता है हाँ, बट शक्ल उसकी वैसी लगती है। अभी हम लोग कॉफी बना रहे हैं V60। अपने नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा कि V60 को कैसे प्रूव करते हैं परफेक्ट। तो अभी फिर से एक ऑर्डर आ चला है V60 का, आज V60 के ऑर्डर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो अभी मैं V60 बना रहा हूँ। इसलिए मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट स्टेप बताना चाहता हूँ, मैं एकदम इक्वल होना चाहिए और स्लो स्लो सर्कुलर मोशन में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आपको इसको राउंड करना है, ठीक है। आपकी स्पीड सेम होनी चाहिए, आपका जो वाटर आपका पोरिंग स्पीड है वो आपकी सेम होनी चाहिए। अभी मैं यहाँ पे बना रहा हूँ आइस वी सिक्सटी। सऊदी अरब में सबसे ज़्यादा पसंद करने जाने वाली कॉफ़ी है। अभी जो कस्टमर हैं उनका ऑर्डर है एक हॉट अमेरिकानो आइस V63 को पोर करने का। यहाँ पर ऑर्डर रेडी, ये है हमारा जाफरान केक अमेरिकानो और ये 3 हो गए आइस V60। अभी क्या पेंडिंग है, केक कुकी, तो सॉरी कुकी, तो अभी ये कुकी पेंडिंग है, ऑर्डर जाने के लिए तैयार है। बाय बाय आज का ब्लॉग, उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग मेरा पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।